हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। तो आज हम बनेंगे बची हुई रोटी से टेस्टी और चटपटी नूडल्स। ये बनाने में आसान तरीका है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने चार रोटी लिए हैं। तो ये हमारी सुबह की रोटी है, ये हम दोपहर में बना रहे हैं। आप यहाँ पे रात की बची हुई रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए, ताकि आपका रोटी जो है ना वेस्ट ना हो। अब हम दो रोटी को यहाँ पे साइड में रख दिए, दो रोटी को हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम रोटियों को ना कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो पतला पतला कट कर लेना है। तो हम यहाँ पे ना चारों रोटी को ना कट कर लिए हैं। अब रोटी के जो लच्छे हैं ना, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अब रोटियों को ना हम डाल देंगे एक बॉल में। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रेंड्स देसी घी। तो आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, रोटियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ ही हम यहाँ पे नमक डाल रखे हैं। अगर आप पहले से रोटी में नमक डाल रखे हैं तो कृपया नमक मत डालिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहेगी रोटी। तो आप इसको मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे। हम यहाँ पे सब्जियां लिए हैं। तो यहाँ पे हमने एक आलू ले लिए हैं, इसको पतले पतले लंबे लंबे कट कर लिए छील के। यहाँ पे लंबे लंबे एक प्याज कट कर लिए हैं, शिमला मिर्च कट कर लिए हैं, दो टमाटर और यहाँ पे मोटी वाली मिर्च है हरी वाली। तो सारे सब्जियां हमारे तैयार है, कट कर लिए। आप यहाँ पे अपने मन पसंद सब्जियां डाल सकते हैं। और कढ़ाई में हम एक बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाए, दो कलियां लहसुन के बारीक कटी हुई डाल देंगे, अदरक डाल देंगे बारीक कटी हुई। इसको हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे पकाना नहीं है। अब यहाँ पे हम प्याज डाल देते हैं, जैसे हल्का सॉफ्ट हो जाए ना, हम प्याज डाल देंगे। तो एक बार मिक्स कर लेना है सारे चीज को। साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने मोटी वाली कट करके रखे थे। और साथ ही हम आलू भी डाल देते हैं, क्योंकि आलू हमें पकाना है। तो आलू प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो सारे चीज को एक बार मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है ना अच्छे से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू ना काफी सॉफ्ट हो चुका है, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तो कलर यहाँ पे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है ना, ये रिफाइंड तेल है ना, इसलिए ज्यादा कलर आपको पहचान में नहीं आ रहा है। हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। अब हल्का सा जैसे सॉफ्ट हो जाए ना, हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने लंबे लंबे बारीक कट कर लिए थे। तो इसको हमने 1 मिनट के लगातार हाई फ्लेम पे चलाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च को ना बहुत ज्यादा मत पकाइएगा, ये हल्का सा कच्चा ही रहता है ना, इसे खाने में बहुत ज्यादा मजा आते हैं। अब जैसे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च, इसमें हमने जो टमाटर कट करके रखे थे टमाटर डाल देंगे। और सारे चीज को मिक्स कर लेंगे, एक बार चला लेंगे। हम यहाँ पे कुछ मसाले डाल रहे हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे नमक। तो नमक हम उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमने रोटी में भी मिक्स कर रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा नमक कम ही डालिएगा। साथ ही आधी छोटी चम्मच से भी कम डाल दिए हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी करीब धनिया पाउडर, 1 चुटकी करीब गरम मसाला, 1 चुटकी करीब हल्दी पाउडर। आप चाहे यहाँ पे तो मैगी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे चीज को मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसको भूनना है, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए, मसाले भी थोड़ा बहुत भून जाए। अब यहाँ पे देखिए टमाटर ना सॉफ्ट हो गया, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा सॉफ्ट यहाँ पे नहीं करना है। आप चाहे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट करेंगे ना तो सब्जियां भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो टमाटर को हमने हल्का सॉफ्ट कर लिए हैं। साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच के करीब टमाटर केचप। इससे क्या होगा ना, बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर जाएगा। और बच्चे बड़े इसको टमाटर केचप डालने के बाद ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, तो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे जो नूडल्स तैयार किए हैं रोटी का, वो डाल देंगे। यहाँ पे ना रोटी जो है ना सॉफ्ट हो चुकी है, रोटी का नूडल्स जो हमने बना करके बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे ताकि रोटियां सब्जियां सारे चीज अच्छे से एक दूसरे में मिलजुल जाए और रोटियां अच्छे सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चला लेते हैं। ये तैयार हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपके पास हरा प्याज है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो हरा धनिया है तो वो डाल लीजिएगा। हम यहाँ पे हरा धनिया डाल दिए हैं और इसको एक बार मिक्स कर लीजिएगा। हरा धनिया या प्याज जरूर डालिएगा, इसे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर जाएगा। और सारे चीज को मिक्स कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये बन के तैयार है। अब देखिए आलू भी अच्छे से ये देखिए पक चुका है। अब चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी से बनी हुई नूडल्स तैयार है। बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। अब बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं बना के। इतना ज्यादा टेस्टी बनते हैं कि बच्चे चट कर जाएंगे, इतना ज्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स इसको जरूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिस थैंक यू। बाय बाय।